क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स के लिए आज ऑनलाइन क्लास में मैं ओपी सैनी मैथ टीचर एक्सरसाइज 16.1 करा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर वन है फिल इन द ब्लैंक्स, ये टाइमिंग की एक्सरसाइज है। तो 1 मिनट इक्वल टू ब्लैंक सेकेंड्स, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो ये 60 सेकेंड्स होते हैं, तो यहाँ 60 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बी पार्ट है 3 मिनट इक्वल टू सेकेंड्स, तो कितने सेकेंड होंगे, 1 मिनट में 60 थे, तो 3 मिनट में क्या हुआ, 3 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 यानी 180 सेकेंड्स हो जाएंगे। इसी तरह से पार्ट डी में 8 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे ये आपको फाइंड करना है, तो 8 का क्या करेंगे, 60 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 6 48 और ये 0 यहाँ आ जाएगी, यानी 480 सेकेंड्स होंगे। इसके बाद आपका डी पार्ट, डी पार्ट में 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, तो 1 आवर में यानी 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरह से 2 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, 61 आवर में और 60 अदर आवर में, तो 120 मिनट्स हो जाएंगे 2 आवर्स में। फिर नेक्स्ट है आपका 4 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, हाउ मेनी मिनट्स, तो 4 को क्या करेंगे हम, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 4 24 और 0 का 0, तो यानी 4 आवर्स में 240 आवर्स होंगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इन टू मिनट्स, 8 आवर्स को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, यानी 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 8 आवर्स में कितने होंगे, 8 आवर्स इक्वल टू 60 और मल्टीप्लाइड बाई 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 6 48 और 0 का 0, तो 8 आवर्स में आपके 480 मिनट्स होंगे। इसी तरह से इसका बी पार्ट है 4 आवर्स एंड 40 मिनट्स, 4 आवर्स 40 मिनट्स में कितने मिनट्स होंगे, तो 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट, तो 4 आवर्स 40 मिनट्स में, तो देखिए 4 आवर्स करने के लिए क्या करेंगे, 60 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 60 मिनट है इनको इसके साथ ऐड हो जाएंगे ये, तो 4 6 24 240 हो गया ये, और 40 मिनट्स ये हैं, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 280 मिनट्स आ जाएंगे। इस तरह से आप मिनट्स और आर के कन्वर्जन को कर सकते हैं, एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट्स को और आर्स को। तो दैट्स ऑल, आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।